दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक्सटेंशन बढ़ गया 10 डेज़ के लिए, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया था कि क्योंकि जब तक विड्रॉल्स आपको दिखाई नहीं देगा, जब तक आपको बोनस कमीशन नहीं आएगा, तब तक एक्सटेंशन बढ़ता ही रहेगा। और इस एक्सटेंशन से तो अब रोजी रोटी का सवाल भी पैदा हो गया है, क्या एक्सटेंशन से ही रोटी मिलेगी? आज हम रात में क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कब तक इस तरह के एक्सटेंशन को देखें? क्योंकि एक्सटेंशन से कोई इनकम नहीं होती है, किसी फाउंडर को इनकम नहीं हो रही है। अगर ये कुछ ना कुछ वॉलेट में पैसा डाल करके अगर उसको परचेस करने के लिए कहते तो शायद उससे इनकम भी होती, चाहे विड्रॉल आप कभी भी देते। विड्रॉल की टेंशन नहीं है, टेंशन है ट्रैफिक की भी, ट्रैफिक भी आप नहीं दे पा रहे हो। क्या आप लोगों ने सोच के रखा है? ट्रैफिक तो आपके पास है, होल्डिंग टैंक से निकालिए। और एक्सटेंशन तो हमेशा टेंशन ही देता है, देखिए सारे लोग निगेटिव हो गए और एक हैशटैग कैंपेन चालू हो चुका है। क्या है आगे की आपकी रणनीति? अब तो लोग बीमार बुखार से हो चुके हैं, दिमागी रूप से भी परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं, अभी अभी लगातार फ़ोन आने शुरू हो गए लोग कंगाली की हालत में, अब तो ये कह रहे हैं कि क्या करें सर, ये एक अपील कर दें सारे लोग मिल कर के कि अब आप 2 महीने बाद 4 महीने की इकट्ठी आप डेट दे दो, जिस दिन आपको लगे कि आपकी सारी तैयारियाँ हो गई हैं तब आप दीजिए। इस एक्सटेंशन से किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, नॉन पैसिव को फ़ायदा हो रहा है, ना फाउंडर्स को फ़ायदा हो रहा है, और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट के अंदर। जो लोग ऑन पैसिव में इन करना चाहते हैं वो इसको देख करके तो ज़रूर सोच रहे होंगे, और ना और अभी इस एक्सटेंशन पे किसी को फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अगर कोई मीटिंग भी कर रहा होगा तो वो भी सिर्फ ऑन पैसिव इन के अलावा कोई और नहीं कर रहा होगा। हाँ, कुछ लोग इस एक्सटेंशन से ज़रूर खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और वो उसमें शुभकामनाएं भी लोगों को भेज रहे हैं और जले पे नमक छिड़क रहे हैं उन लोगों के जो बिल्कुल इस समय इस वक्त बहुत आर्थिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं और पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के साथ में एक्सटेंशन आना दुख की बात है, और ये मैं बिल्कुल भी इससे खुश नहीं हूँ। यदि क्या करूँ, वो कुछ भी कहने के इच्छुक नहीं हूँ। यदि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फाउंडिंग साथियों के लिए बहुत बुरी बात होगी, और इससे कुछ साथियों का ज़रूर नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाउंडिंग साथी को कैसे समझाएं, कैसे बात करें, क्या है ये? अब ये 360 शायद इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि कुछ कहने को नहीं होगा, और अब सब कर पोजीशन देखेंगे, लोगों को भापेंगे, कितनों ने समर्थन किया, कितनों ने विरोध किया एक्सटेंशन का। अगर एक्सटेंशन के समर्थन में ज़्यादा हुए तो ये अगली बार फिर एक्सटेंशन ही मिलेगा, और क्योंकि वो लोग भी भापते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत पैसे की नहीं है, आप लोग बिल्कुल एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुके हो जिसको मैंने कठपुतली के रूप में दिखाया था कि आपकी ज़िंदगी की डोर किसी के हाथ में, वो आपको बहुत अच्छे से नचा रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे एंग्लो इंडियन हो, कोई भी हो, बहुत कुछ गलत हो रहा है ऑन पैसिव के अंदर। अब तो सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि 6 महीने 8 महीने से कोई इनकम के सोर्स आप नहीं दे रहे हो। 1.4 मिलियन लोगों की लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हाँ, कुछ चापलूस लोगों को जरूर ये बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोग अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे, मगर ये बिल्कुल पहले से ही तय था। हम जैसे लोगों ने पहले आज मॉर्निंग की वीडियो में दे दिया था कि एक्सटेंशन होगा।